रायसेन जिले के प्रभारी सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खत्री को हटाने की मांग को लेकर विदिशा जिले की शिवसेना सांची तहसील कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने कलेक्टर के नाम आवेदन सौंपा। शिवसेना का कहना है कि डॉक्टर दिनेश खत्री प्रभारी सीएमओ के रूप में विगत लगभग 5 वर्षों से इस पद पर हैं। आज हम विदिशा रायसेन लोकसभा का प्रतिनिधि मंडल सतेन्द्र सिंह सिसोदिया जिला अध्यक्ष विदिशा के नेतृत्व में यहाँ एक ज्ञापन देने आए हैं, जो कि जिला अस्पताल रायसेन में सीएमएचओ हैं, जिनका नाम है दिनेश खत्री जी, जो वहाँ से प्रभारी हैं। और अभी सूचना मिली है और उन कुछ वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें कि वो अभद्र व्यवहार करते हैं वहाँ के कर्मचारियों से अस्पताल में। तो अब सोचने का विषय ये है कि जो कर्मचारियों के साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, वो आम मरीजों के साथ क्या व्यवहार करते होंगे। और दिनेश खत्री जो प्रभारी के पद पर हैं, लगभग 5 साल से वहाँ पर हैं, किस राजनीतिक दबाव के कारण वो वहाँ पर हैं। तो शिवसेना ने उनको हटाने की मांग की है कि उनको हटाया जाए, नहीं तो आने वाले चुनाव में आचार संहिता की आड़ में वो काफ़ी मरीजों के साथ ऐसी घटनाएं कर सकते हैं जो कि उनके जीवन के लिए बहुत नुकसानदायक होगी। हम शिवसेना की ओर से ये मांग करने आए हैं कि दिनेश खत्री जी को प्रभारी पद से हटाया जाए, उनके पुराने पद पर उनको पहुंचा जाए और वहां जल्दी नया प्रभारी घोषित किया जाए।